So the question was, I still am maintaining that question. We have so many things happening around that is connected with what's happening tonight. Super. Yeah, well. So do we get started? guys, attention, thank you. Neil, yeah, you haven't changed a bit, man. I know Neil for a long time, you know. I mean, what's wrong with nobody, you're timeless. All right, guys, aaj ki shaam, it's very special, it's very nice because if you figure around, charon taraf news hai, kisi ne bataya ki Me Too relationships jo, you know, aajkal kahin se kahin chale gaye hain. And we're talking about relationships, har cheez mein kuch na kuch angle hota hai. There's either love, there's either demand, there's friendship, with benefits, the friendship, जिसमें मतलब होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं, something absolutely different, दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जो we all will fall in love with, primarily why? Because दोस्ती is very pure, you know, दोस्ती का एक जो जो all about, I mean, if you, what is your role and how does it feel to be a part of this film? First of all, I'm really honored that I'm part of this film, and रिगार्डिंग द रोल, आई थिंक हाजी सर ने बहुत बारीकी से सारे ईच एंड एवरी कैरेक्टर पे काम किया और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वी आई वॉज वर्किंग वेरी ऑनेस्टली रिगार्डिंग द करियर विद द फिल्म और काम करते करते ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे काम करना है और इतनी लिबर्टी दी सर ने मुझे कि शायद इतनी अच्छी एक्टिंग किया उन्होंने बिल्कुल नेचुरल हम लोग एक्टिंग करते थे वो नेचुरल रह के एक्टिंग करती थी तो बहुत अच्छा लगा और सबके साथ काम करके और स्पेशली मैं अपने प्रोड्यूसर्स का एक बार फिर मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का कोई गॉडफादर नहीं है और वो इस फिल्म इंडस्ट्री हमारे गॉडफादर बने हम लोग को लॉन्च कर रहे हैं इसलिए मैं थैंक यू दिल से उनके थैंक यू कहना सुपर विक्रांत थैंक यू एंड सदा आप बताएं हमें हाउ इज इट बीन एंड व्हाट इज द फिल्म लाइक सब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि सब लोगों ने एक्टिंग की आपकी बिल्कुल नेचुरल टेल अस अबाउट इट जीतू बट नहीं मैं कहीं से भी नेचुरल नहीं थी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छा बस परफॉर्म करूं मैंने अपना 100% दिया और अगर उसकी तारीफ ये लोग करें तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और थैंक यू विजय भाई कि आपने मुझे समझा सोचा और इतनी अच्छी स्टार कास्ट मुझे दी साथ में काम करने के लिए इन्होंने मुझे झेला है काम नहीं किया है मेरे साथ मेरे को झेला है तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी और हादी अली सर ये डायरेक्टर नहीं है भोले डायरेक्टर है मैं पूरी फिल्म में बोलती थी कि हमारा डायरेक्टर बहुत भोला है तो इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कोऑपरेट किया क्योंकि मैं बहुत बहुत बोलती हूँ और कुछ भी बोलती हूँ सर पैर की बातें नहीं है मेरे पास तो ये मुझे झेलते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है मेरे साथ और जैसा भी मेरा 100% काम निकला है वो इन लोगों की बदौलत निकला है तो थैंक यू सो मच आपने बोला कि सारे आपको झेल रहे हैं कि आपने मतलब किसी के साथ प्रैंक खेला या फिर आपने किसी को ट्रबल किया ये तो दिख रहा है मैंने सबको किया कितनी ऑनेस्ट है आप इट इज सो गुड अबाउट दिस ऑलराइट फैंटास्टिक एज़ लॉन्ग एज़ यू नो द आउटपुट इज गुड ये बात मजाक मस्ती को चलती रहती है एज़ अ टीम यू नीड टू वर्क इन वेरी गुड दैट आपने इतना इसको एंजॉय किया अंजू टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट इट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है हम एक फैमिली की तरह मतलब शूट करते थे और मस्ती करना काम के साथ साथ मस्ती इतनी होती थी कि हमें पता नहीं चलता था कब दिन से रात हो गई है और शूट से घर जाने का मन नहीं होता था
क्या बात है यार, ऐसे एक्टर्स होने चाहिए ना आजकल के ज़माने में, शूट से कहाँ नहीं जाना, अमेजिंग इतना छोड़ो मतलब जो वो सबसे पहले देखा यहाँ पे, नाउ यू नो व्हाट द प्रैंक और समटाइम्स ऑलवेज अबाउट. कोई रिलेशनशिप मतलब के भर नहीं होती एसेंशियली, बिकॉज इफ यू इवन इफ यू हैव फ्रेंडशिप देयर आर कंडीशंस अप्लाई फ्रेंडशिप विद बेनिफिट. ये मी टू चला भी इसलिए है बिकॉज दिस There's some connection somewhere. So, ये film, platonic relationship, which is a beautiful concept, I must congratulate the makers. आपको आपकी राय क्या है? आजकल platonic relationships होते? आप इतनी confused होंगे माइक पे भी बोलना भूल गए. और you know, I'm gonna come back to Hadi. Hadi's gonna answer this because I think you are the man behind the ship, so you'll tell me. ये बहुत अच्छा answer है हमारे sir. कौन? हाँ तो. Yeah, I was just coming to Hadi Aranda. Let's. And Neil ke baare mein batana chahta hu. Our friendship goes back to like more than 10 years. And Neil is one guy jahan pe jaate hain 15-20 ladkiyan waise hi aa jaati hain. And Neil, I heard what is the secret? Yeah, matlab ye kya addictive thing ho jati hai saari ladkiyan aapke paas aati hain? First of all, Rehman, thank you very much for welcoming me so beautifully. And secondly, मैं हमेशा रहमान से जब भी मैं बात करता हूँ फोन पे, मैं अभी हफ्ते भर पहले भी बात कर रहा था 10 दिन पहले, और मैंने कहा कि आप मेरी इंस्पिरेशन है, the way he handles the series and he's very good with whatever he is doing. Thank you very much for that. लड़कियों का सीक्रेट तो मुझे भी नहीं पता है बेसिकली रहमान, मैं तो आपसे इंस्पायर 15-20 सिर्फ मेरे लिए हैं यहाँ 1500 शायर. That's it's just being modest. We did a couple of shows together, so that we go back there. Because honestly, like Anju ke baare bata rahe the ki boss man hota nahi tha shoot se jaane. Absolutely. So then the cast was absolutely bang on, and that's why he's there. I love you for this. Yeah. Is this a secret? Because jaise hum shoot se wapas jaate, jaise hum akele ghar jaate, ye 3-4 log ko drop karke jaate. इन्होंने बहुत काम किया हर कैरेक्टर पे, लेकिन मुझे ये स्पेशली बोलते थे तू कर, तुझे जो करना है कर. And that's the most beautiful thing happened in on our set. Secondly, Sapna ji, जब set पे होती हैं तो हंसी का माहौल होता है. She is so cute कि इसकी टांग खींचना, उसकी टांग खींचना, मस्ती करना, मतलब बहुत sensibly वो मस्ती करती हैं और सबको छेड़ती भी हैं. जैसे नहीं बट जैसे भी छेड़ती है बहुत क्यूटली छेड़ती है. और विक्रांत हमारे बड़े शिकार हैं उसके. एंड उसकी गवाह उसकी बीवी है. वेल हां सपना जी ने मुझे दिस कॉन्सेप्ट एंड हिज वाइफ हु हैज रिटन द स्टोरी सो एंड आई वाज ऑफर्ड द फिल्म ऑन प्लेटर बाय विक्रांत एंड विजय सर सपोर्टेड मी. मुझे आई मीन उन्होंने हर ख्वाहिश एक डायरेक्टर की पूरी की. ऐसा प्रोड्यूसर मतलब नसीब से मिलता है सर. So you actually put a smile on everybody's face. Yeah. I can actually see everybody loving this part of it. Yes, it is. Character आपको play करना पड़ेगा. अच्छा लगेगा. मुझे विक्रांत सर का. विक्रांत सर का. अच्छा सपना और अंजू में से कैरेक्टर अगर प्ले करना पड़ेगा वो कौन सा प्ले करोगे? मैं सपना देवी का. बच्चे में काफी दम है ना सर. मुझे पता नहीं आप यू नो यू लुक लाइक द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ सनी देओल एंड इमरान हाशमी. परफेक्ट कॉम्बिनेशन. आपका रोमांस भी है गुस्सा भी है सो Yes, I would also like a few members to come on stage with us. I would like my cameraman Anil Aki. Yeah.
खाली पूछ ले आता है क्यों अरे पहले की नहीं थी तो पता नहीं था अभी बहुत सारे दोस्त यहाँ से लेके जाऊंगी अभी अभी हम पीछे ग्रीन रूम में चारों रो रहे थे कि मैं जा रही हूँ ये तीनों अकेले रह जाएंगे अब तो मैंने इस फिल्म को करके समझा है कि एक्चुअली में दोस्ती क्या होती है एक दूसरे को समझना एक दूसरे को प्यार करना मतलब हम लोग साथ में इतना टाइम स्पेंड किया हमने कम्युनिटी में तो रहते ही नहीं थे हम चारों साथ ही रहते थे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दोस्त लेके जाऊंगी और बहुत परेशान रहूंगी अब मैं मेरे को लगता है बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा हाँ सपना जी साइड इफेक्ट्स को कैसे देखती हैं आप दोस्ती के जो साइड इफेक्ट्स हैं किस तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं नॉर्मली दोस्ती में बहुत तरीके के होते हैं क्योंकि जब तक हर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हर चीज बिगड़ जाती है और बचपन से लेकर अगर कोई जवानी तक दोस्त है एक साथ रहे हैं तो वो एक दूसरे को समझते हैं लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर अगर अनबन हो जाए तो वो दोस्ती ही नहीं है तो आई थिंक इस फिल्म में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी पर्सनली आपकी जिंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने किसी दोस्त के साथ में उसकी मदद की हो उसे कुछ मदद बहुतों की है लेकिन एज अ दोस्त नहीं की कभी मन में लगा हो कि हां मैंने दोस्ती निभाई नहीं ऐसा कुछ नहीं आप बन जाओ दोस्त आपको तो मैं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली वही इमोशन के लिए मैंने ये फिल्म बनाई वही इमोशन को फिर से लाने के लिए ये फिल्म बनी है और ये बहुत बड़ा गैप था एज अ डायरेक्टर मुझे फील होता है कि बहुत बड़ा गैप आ चुका है क्योंकि हम जब देखते थे दोस्ती की फिल्म जैसे आपने दोस्ताना देखी हो या शोले का एग्जांपल हो तो उसके बाद ऐसी कोई फिल्म आई नहीं जहां पर एक्चुअली दोस्ती पे कॉन्सेंट्रेट किया ये फिल्म उस इमोशन को डेफिनेटली जगाएगी और थिएटर में जब लोग देखेंगे तो दे विल वॉन्ट टू गेट बैक टू फ्रेंडशिप एंड दैट इज द विक्ट्री फॉर अस इट हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर रोमांस दोस्ती है और दोस्ती के हर इमोशन को मैंने एक्सप्लोर किया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आज का है बट इमोशन अभी भी इंडियन इमोशन अगर वो नहीं करता तो फिर क्या है क्या सपना जी को लेके अगर मैं ऐसा गाना नहीं करूं तो फिर आई मीन एक्सपेक्टेशन मार रहा हूं ना ऑडियंस की ऐसा नहीं कर सकता ऑफ कोर्स एंड यू विल सी इट वेरी सून एनी अदर क्वेश्चंस दैट एनीबडी सर आज पोस्टर लॉन्च हुआ है तरह की तैयारी की आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है बिकॉज तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सब यहाँ पे जितने हैं सब अपने आप में खूबसूरत हैं सब अपने आप में काबिल हैं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं बहुत डेडिकेटेड हैं फिल्म के बारे में कहूँगा कि हम सब जानते हैं कि
दोस्ती जो है ये एक ऐसा ही रिश्ता है, यही एक ऐसा रिश्ता है जो धरती पे आकर बनता है। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता खून का होता है। दोस्ती हम बनाते हैं, हम चुनते हैं, अच्छे बुरे सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हम कितनी समझदारी रख कर हर सिचुएशन में उसको कैसे संभालते हैं, दैट्स दोस्ती। दोस्ती को पर पहले भी बहुत सारे खतरे आ चुके हैं जी, इसमें ऐसी कैसी क्या एग्जांपल है दोस्ती? ऑफ कोर्स आपने मुझे नहीं बताया, मैं जो क्लाइमैक्स है लोग कुछ हटके कुछ अलग चीज देखेंगे दोस्ती के ऊपर, जो इनकी हम सबकी डेडिकेशन है इन लोगों की मेरे खिलाफ, मनवीर के खिलाफ, जो इनका दृढ़ निश्चय है कि हम जीत कर रहेंगे, वो आप देखेंगे इस फिल्म के एंड में। मैं ये फिल्म नहीं कर रहा था वैसे, बेसिकली तो ये फिल्म शूट शुरू हो चुकी थी और बाद में मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी, और हार्डली मैटर्स, डजंट मेक अ डिफरेंस पोस्टर में होना हो, हम सब अपने आप अपनी जगह पे स्पेशल हैं। सर टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर, व्हाट योर कैरेक्टर आर प्लेइंग एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सपना, सी अबाउट द कैरेक्टर मनवीर, जो धर्मवीर का लड़का है, ही इज धर्मवीर इज़ अ बिग पॉलिटिशियन, हमारे बीच नहीं है साईं जी अभी, और मनवीर जो है बहुत बिगड़ैल औलाद होते हैं ना, जिनको ईगो बहुत होता है, पैसे का घमंड बहुत होता है, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रे शेड है बेसिकली। तो जब अवनी के साथ उसका जो भी अफेयर होता है या जैसा भी, आप तब बड़ा सॉफ्ट साइड देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो अचानक से उसका एक नेगेटिव साइड है एक स्कैम में, और इसमें उसमें उसका हाथ होता है, वैसा है। सपना जी के साथ कहूँगा मज़ा आया मुझे, सपना जी की पहली फिल्म है जैसे कि आप सब जानते हैं, और उनके साथ मेरी पहली फिल्म है, और सपना जी इतनी डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी खूबसूरत दिल की हैं, सबके साथ मस्ती करती हैं, सेट पे बहुत लाइट हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, जब सेट पे डायरेक्टर बहुत अच्छा हो और आपकी कास्ट अच्छी हो। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं वही तो कह रही थी कि ऐसा मन नहीं करता था कि हमें घर जाना है, मतलब हम जो शूटिंग में जो हम शूट भी करते थे, शूट के साथ साथ जो मस्ती होती थी, मतलब कब सुबह से लेके शाम हो जाती थी कुछ पता नहीं चलता था। बाहर जब आते थे हम सेट से बाहर आते थे तब पता चलता, अरे रात हो गई है, इतना जल्दी टाइम कैसे निकल गया। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अच्छे दोस्त बने, पूरी कास्ट हमारी इतनी अच्छी है, बिल्कुल एक फैमिली वाली ही फीलिंग रही, और सच में वैसे ही फील हुआ जैसे हम जो हमारे कॉलेज टाइम, हमारे स्कूल टाइम जो होता है जिसमें हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ होते, बिल्कुल वैसा ही फील रहा। ज़्यादा फैमिली के साथ में आप मेक, आई डोंट डू फिल्म्स बेसिकली, आई मेक फ्रेंड्स, आई मेक फैमिली, एक जर्नी होती है जो स्टार्ट टू एंड होती है कहीं ना कहीं, बट बहुत अच्छा लगता है। और फिल्म नहीं करी यहाँ पे, मैंने दोस्त बनाए लाइफ टाइम, सो दोस्ती के साइड इफेक्ट्स दोस्ती के ऊपर। मेरे कैरेक्टर को आप बहुत डिफरेंट शेड्स में पाएंगे, क्योंकि आई हैव प्लेड अ थ्री कैरेक्टर्स इन वन फिल्म, एंड रिवीलिंग कुछ क्लाइमेक्स में है, कुछ प्री क्लाइमेक्स है, सो कम मुझे ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, डरा रहे हो आप? पानी बहुत जल्दी आने वाला है, दिवाली से पहले टीजर दिखा देंगे। जुबैर के साथ नहीं, पूरी स्टार कास्ट के साथ अच्छा रहा, बहुत कॉपरेट, हाँ बहुत कॉपरेट किया है एक दूसरे को, और ये नहीं सोचा कि किसी और की और मतलब अच्छे पॉजिटिव आदमी के साथ वो बहुत पॉजिटिव है और नेगेटिव के साथ बहुत नेगेटिव है, और बहुत डिफरेंट शेड है उसका, मतलब कभी कैसी है कभी कैसी है कभी कैसी कभी कैसी ऐसी करके। सेट पे काम करके चारों हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए, और हम लोग वैनिटी छोड़ के बाहर ही बैठ के हम लोग बातें करते थे, और तो एक नया फ्लेवर ऑडियंस को मिलेगा इस मूवी के द्वारा। जी बहुत ही अच्छी हैं और सब जानते हैं उनको, क्वीन है, और लेकिन एज ए एक्ट्रेस ऑडियंस उनको सरप्राइज हो जाएंगे जो उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किया और इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म के द्वारा की है। देखिए ऑडियंस के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि मैं क्योंकि अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, क्योंकि मैंने इसमें काम किया है, तो मैं ऐसा बड़ा चढ़ा के बोलूँगा ऑडियंस के ऊपर, एक बार उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि
बिल्कुल फ्रेश फेसेस हैं, नए चेहरे नजर आएंगे और बहुत ही अच्छी मूवी है। एक बार देखने के बाद ऑडियंस अपना रिव्यू देगी इस मूवी को लेकर। ये दिवाली पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं व्यूअर्स को देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं तो जानवरों को बहुत तकलीफ होता है, हमारे डॉग तो छुप जाता है, तो आप लोग फुलझड़ी जलाए, अनार जलाए और बहुत सारे ऐसे पटाखे जो आवाज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। थैंक यू। उम्मीदें तो ऑब्वियसली उम्मीदें तो बहुत हैं, अभी हमारी ऑडियंस के ऊपर निर्भर है कि उनको कैसी लगती है। प्यार देखिए, फिल्म हिट होना फ्लॉप होना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि हमने कितनी मेहनत की है उसके अंदर, और हमने बहुत जी जान से मेहनत की है। तो हमेशा ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फिल्म है। फर्स्ट पहली चीज़ें तो ऑब्वियसली बहुत बहुत दिल के करीब रहती हैं, तो बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और मुझे ये भी पता है, बी पॉजिटिव, सब मैं उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन हाँ, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, उम्मीदें किसी की नहीं टूटेगी, सबकी उम्मीदें वैसी की वैसी बनी रहेगी। हाँ, मेरे कैरेक्टर के बारे में बता सकती हूँ। आई एम प्लेइंग सृष्टि चौधरी, एक लड़की जो अपने में ही मस्त रहती है, अपने में ही मगन रहती है, अच्छे के साथ अच्छी है, बुरे के साथ बुरी है, तो किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी ज़िंदगी से मतलब है, अगर दोस्तों को कोई छेड़े तो छिड़ जाती है, तो ऐसी ऐसा कैरेक्टर है। तो बहुत मज़ा आया प्ले करके, कुछ अलग करने को मिला। देखिए जी, डायरेक्टर ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है, डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, ऐसे ही ना प्रोड्यूसर बड़ा होता है ना छोटा होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर होता है, ऐसे ही ना फिल्म बड़ी होती है ना कभी छोटी होती है, स्टेज स्टेज होता है, चाहे वो तख्त से बना हो और चाहे वो लाइटिंग से बना हो, हमारे लिए हमेशा वो भगवान रहेगा, तो काम कभी बड़ा छोटा नहीं होता, जो मिले आप करो। ऑफकोर्स हर एक्टर के साथ ऑब्वियसली जो भी मतलब काम अच्छा मिले तो हमें करना चाहिए, और इच्छा किसी के साथ नहीं है, लेकिन हाँ अगर मिलेगा तो ऑफकोर्स मैं करूँगी काम। संजय दत्त, आई लव संजय दत्त, आई एम ह्यूज फैन ऑफ। हाँ, संजू कितनी बार देखी है मैंने। अभी बहुत प्रोजेक्ट है, अभी बहुत प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी नहीं बता सकती हूँ, अगर मैं अभी बता दूंगी तो आप दोबारा इंटरव्यू कैसे लेंगे हमारा। सलवार सूट में ही मैं कॉन्सर्ट सलवार सूट में करती हूँ, पहनना मुझे साड़ी बहुत पसंद है, और अभी आप इसमें मुझे अलग लुक में देखेंगे। हाँ जी, चल तो रहा है, चलने दो तो आप। थोड़ा थोड़ा टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन हाँ डेफिनेटली स्टेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो फॉलो करना बनता है। अनूप जलोटा और जसलीन के रिश्ते के बारे में मैं ये कहूँगी कि अनूप जलोटा और जसलीन जाने। या 14 दिसंबर को रिलीज़ होगी, तो आप तो देखने जाएंगे ना, बस फिर आप चले जाना।
नहीं सभी मूवी देखेगा, मैंने बहुत मेहनत की है, पूरी स्टार कास्ट ने बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, पूरी टीम ने, एक्शन मास्टर ने, डांस कोरियोग्राफर ने, बल्कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं हम दिख जाते हैं लेकिन वो टीम नहीं दिखती जो बैक पे काम करती है। सपना चौधरी की जी मतलब जितने फॉलोअर्स हैं वही देख लें तो फिल्म हिट हो जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर आप तारीफ कर रहे हो, ताने मार रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? मैं कह रही हूँ, मैं बस यही कह रही हूँ कि सर आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको टीज़र के बाद लगे कि हाँ हमें फिल्म देखनी चाहिए तो ऑफकोर्स आप फिल्म देखिएगा। मेहनत हर किसी मूवी में, हर इंसान, हर बंदा प्रॉपर करता है, तो हमारी मेहनत को सराहिएगा, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। सर प्रोजेक्ट तो बहुत है, मैं बता दूंगी तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा। चलिए सपना जी, एक हैप्पी दिवाली। नहीं कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, मैं हमेशा हर त्यौहार अपने घर वालों के साथ मनाती हूँ, तो मैं दिल्ली जा रही हूँ बहुत जल्दी अपनी नगरी में और दिवाली वहीं सेलिब्रेट करेंगे। आप उधर के लिए कुछ रखेंगे? किसको? उधर के लिए सभी चाहने वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। आइए सब बच्चे, मोस्ट वेलकम, आइए सब बच्चे।